हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फिलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर, जो कि है मॉडल नंबर HP8316 का, जो कि स्पेशल डिज़ाइन किए गए हैं जिन लोगों के भी मोटे और थिक हेयर है, लॉन्ग हेयर है। तो अगर आपके भी लंबे और मोटे बाल है तो ये आपके लिए वीडियो होने जा रही है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेरा मकसद बस यही है कि मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। आपको तो पता ही होगा कि फ़िलिप्स एक जाना माना और अच्छा खासा ब्रांड है और इसके बहुत सारे मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल है, पतले बालों के लिए, लंबे बालों के लिए, छोटे बालों के लिए, मोटे बालों के लिए। मैंने जो ये मॉडल लिया है ये थिक और लॉन्ग हेयर के लिए है, क्योंकि मेरे थिक और लॉन्ग हेयर, इसलिए मैंने इस मॉडल को सेलेक्ट किया था। फ्रेंड्स, इस हेयर स्ट्रेटनर को मैंने एक साल पहले लिया था amazon.in से एंड कम से कम मैंने 7 से 8 बार इसे यूज़ भी किया है। काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस स्ट्रेटनर को लेके, क्योंकि जब तक आप अपने बालों को पूरी तरह से वॉश नहीं करते हो तब तक आपके बाल जो रहते हैं वो स्ट्रेट ही रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आपके बाल की टेक्सचर और जो क्वालिटी रहती है, ये जो स्ट्रेटनर है उसी तरह से काम करता है। और बात करते हैं अगर इसकी प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस है वो लगभग 2700 रुपये थी और मुझे ये 2100 रुपये में मिली थी विद डिस्काउंट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब फटाफट से इसका रिव्यू स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये एक प्लास्टिक के कवर के साथ आता है और काफ़ी हैंडी और बहुत ही हल्का है प्रोडक्ट इनका। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपका ट्रैवल फ्रेंडली है, आप कहीं भी ट्रैवल के दौरान इसे लेके जा सकते हो। बैग में आप कहीं पे भी रख दोगे या सूटकेस में रख दोगे, ये आसानी से बहुत थोड़ी सी जगह लेता है और बहुत लाइट वेटेड है, आपको भारी भी नहीं लगेगा। तो ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। फ्रेंड्स, ये हेयर स्ट्रेटनर सिल्क प्रो केयर के साथ आता है, यानी कि आपके बालों को ज़्यादा डैमेज होने नहीं देता है। और जब अपने बालों को स्ट्रेट करते हो आप तो हल्की सी शाइन आती है, तो ये बात सही है कि थोड़ी बहुत शाइन आपके बालों पे आ जाती है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके लुक के बारे में। तो काफ़ी क्लासी और काफ़ी रॉयल लुक देता है, ब्लैक कलर में आता है। साइड में इसके छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं जो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। साइड में इसका एक छोटा सा क्लिप दिया हुआ है जिसमें ऑन ऑफ करने का सिस्टम है, जिससे कि ये खुल जाता है और आपके बाल आराम से इसमें आ जाते हैं और उसको आपको स्ट्रेट करना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि एक बार अगर आप इस क्लिप को ऑफ कर देते हो तो कहीं से खुलने का कोई इसका चांस ही नहीं है। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगी, जब आप ट्रैवल करते रहोगे तो अगर इसको लॉक कर दोगे तो ये कहीं से भी नहीं खुलेगा। और इसकी जो वायर्स की बात करते हैं तो 1.8 मीटर की आपकी इसकी वायर्स आ जाती है, जो काफ़ी अच्छी खासी लेंथ होती है। फ्रेंड्स, ये सिरेमिक कोटेड प्लेट्स के साथ आती है। आप एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि आप किसी भी ब्रांड का जब भी स्ट्रेटनर खरीदें तो वो सिरेमिक कोटेड प्लेट की ही होनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे बाल जो होते हैं वो डैमेज नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद ये एक LED इंडिकेटर के साथ आते हैं और यहाँ पे ऑन और ऑफ करने का आपको स्विच दिया हुआ रहता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि आपका जो ये मशीन है वो ऑन है या ऑफ है। फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा वाइड प्लेट्स के साथ आते हैं, जो कि आपके मोटे से मोटे बाल को स्ट्रेट करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आयोनिक केयर इसमें दिया हुआ होता है, जो कि आपके बालों को नुकसान नहीं पहुंचाने देते हैं। और 210 डिग्री सेल्सियस का प्रोफेशनल हीट इसमें सेट किया होता है, जो कि मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया कि आप 2100-2200 रुपये देते हो इस प्रोडक्ट के और आपके लिए टेम्परेचर सेट नहीं कर पाते हो। एक जगह ये फिक्स होगा 210 डिग्री सेल्सियस का, उसी में ही आपको मैनेज करना होगा। फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट की एक बात अच्छी है कि जो इसकी लेयर होती है वो काफ़ी मोटी होती है प्लास्टिक की। अगर आप इसे गर्म कहीं रखते हो तो कोई भी सामान आपका जलेगा नहीं, जैसे कि कोई भी कपड़ा के ऊपर रख दिए या पेपर या किसी भी टेबल के ऊपर रखोगे तो जलेगा नहीं। फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट की एक और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये इंस्टेंट हीटअप हो जाता है। 60 सेकंड के अंदर आपका जो ये स्ट्रेटनर है वो हीटअप हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात लगी मुझे। फ्रेंड्स, ये 2 साल के वर्ल्ड वाइड गारंटी के साथ आता है, यानी कि अगर आपके प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसे एक्सचेंज आराम से करवा सकते हो। फ्रेंड्स, अब जाने से पहले मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो। तो जब भी आप स्ट्रेटनर यूज़ कर ले तो उसको अनप्लग कर ले और स्विच को ऑफ कर दें, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहीं पे आप रखोगे तो जले नहीं। और आप कहीं पे भी रखो उसे ठंडी जगह पे रखो, और जब तक वो ठंडा ना हो जाए उसको आप कहीं और ना रखें।
फ्रेंड्स, अगर स्ट्रेटनिंग के दौरान आपके अगर कोई भी बाल टूट कर इसमें रह जाते हैं तो प्लीज़ आप उसे रिमूव ज़रूर कर लें। और एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम स्ट्रेटनर करते हैं अपने बालों पे, तो हम सीरम का यूज़ करते हैं, तो जो सीरम होते हैं इस मशीन में भी लग जाती है, तो आप एक सूती के कपड़े से उसे ज़रूर पोंछ कर रखें ताकि फिर दोबारा आप उसे यूज़ कर सकें। फ्रेंड्स, इस हेयर स्ट्रेटनर के साथ एक यूज़र मैनुअल भी आता है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड दी हुई रहती है, सारी प्रिकॉशंस दी हुई रहती है, टिप्स दी हुई रहती है, और आपको एक गाइडलाइंस मिल जाता है इसको यूज़ कैसे करना है, कब करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। और साथ ही इसमें आपको 2 साल की गारंटी का जो कूपन आता है वो भी रहता है। और ये था मेरा अमेज़ॉन का बिल जो कि आपने देखा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा प्रोडक्ट का रिव्यू आफ्टर 1 ईयर के बाद, मेरे ये सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करी हूँ। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा और ज़रा सा भी आपको पसंद आया मेरा वीडियो, तो ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे का रेड कलर का बटन को क्लिक कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली नोटिफिकेशंस आप हमेशा अपडेट रहे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।